बेटमा नगर में कोरोना महामारी के कारण 2 साल से रुका गणगौर पर्व इस बार सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर के महेश्वरी ब्राह्मण अग्रवाल खंडेलवाल व कुशवा समाज ने देर शाम तक गणगौर का पारंपरिक चल समारोह नगर में निकाला, जिसमें महिलाएं अपने सर पर ईश्वर राजा भगवान शिव और पार्वती को लेकर निकली। इस दौरान महिलाएं भक्ति गीतों में थिरकते हुए चल रही थी। इस चल समारोह में महिलाएं अपने सर पर मां पार्वती एवं ईश्वर प्रतीक के रूप में अपने माथे सिर पर लेकर चल रही थी। यात्रा देर शाम तक गणगौर को गाजे बाजे के साथ लेकर निकली, जिसमें दुल्हा दुल्हन के वेश में जोड़ियां आकर्षक लग रही थी। माना जाता है कि प्राचीन समय में माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को वर के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या और व्रत किया था, परंतु सिर्फ माता पार्वती की तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव पार्वती के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से वरदान मांगने का अनुरोध किया। वरदान में माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को वर के रूप में पाने की अभिलाषा व्यक्त की। माता पार्वती की इच्छा पूरी हुई और माँ पार्वती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। मान्यता है कि भगवान शंकर जी से इस दिन माँ पार्वती जी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। माँ पार्वती ने यही वरदान उन सभी महिलाओं को दिया जो इस दिन माँ पार्वती और शंकर जी की पूजा 7 विधि विधान से करते हैं, व्रत रखती हैं। बैटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हम गणगौर की पूजा हम इसलिए करते हैं कि ईश्वर गोरा की पूजा करते हैं। ये अपने सुहाग के लिए की जाती है और लोग बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। यहाँ इस दिन 9 दिन 9 कन्याओं को भी बहुत महत्व है। जैसे कि हम देखते हैं कि 9 दिन किस तरह से माता जी का रूप रहता है और इन 9 दिनों में मनोकामनाएँ भी पूर्ण होती है और पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करते हैं और कुंवारी लड़कियाँ मन आचाहन पति माँ के लिए ये पूजा की जाती है। और जिस तरह से आप देखते हैं कि भारत में किस तरह से अपने भगवान को अलग अलग तरीके से माता जी ने स्वरूप दिया हुआ है, वो इसमें एक ये स्वरूप भी है। आज हमारे यहाँ ये उत्सव गणगौर का जो मनाया जा रहा है, ये ईश्वर गणगौर के का पर्व है। ईश्वर गणगौर यानी शिव पार्वती। शिव पार्वती हमारे सुहाग के देवता हैं और ये व्रत करने से जितने भी सुहागन हैं उन्हें सुहाग का अमर वरदान मिलता है। और आज के दिन हमारे ये सार ब्राह्मण समाज की गणगौर का जो जुलूस निकला है, ये मतलब भगवान की हम एक तरह से बारात निकालते हैं और फिर इन्हें बगीचे में लाके हम उनको जल पिला के अपने अपने सुहाग पति का नाम लेके उन्हें जल पिलाते हैं और हमेशा गोरा और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की लंबी आयु उन्हें लंबी आयु मिले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।